लिटरली जब से मेरे पास लावा गॉड की वॉच आई है और मैंने नए नए लावा गॉड के सूट्स को अनलॉक किया है तब से भाई मेरे घर पे मेरे फैंस की भीड़ ही भरी रहती है आज सुबह से कितनी बार मैं नए नए सूट्स को भाई ट्रांसफॉर्म करके दिखा चुका हूँ अरे प्लीज फ्रेंकलिन जी और दिखाइए ना अरे भैया बनिए ना लावा गॉड कैसे बनते हैं वॉच से चलो गाइज दिखाई देते हैं देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये लावा गॉड रिवेंजर हल्का सूट जो कि कोई नॉर्मल नहीं है भाई अभी क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करते ही

नए नए गए वीडियो लाइक कर दो मैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं मत जाना बस मैं सो जाता हूं। और अभी जैसी सोंगा चिटकी में भाई कल सुबह निकल आएगी अभी तो शाम हो चुकी है गुड नाइट अरे भाई लगता है सुबह हो गई कब से सोया पड़ा भाई गाइस सुबह तो हो गई दिन ही दिन हो रहा है काफी चलो गुड मॉर्निंग आज मैं बहुत ही आ जाएगा मेरे हाथ में वो वॉच थी कहाँ गई सुनो क्योंकि क्य क्य मैंने कहीं पर सोते में उतार के तो नहीं रख दी थी कहीं पर गाइस ये सब क्या हो रहा है मैंने हो सकता है टेबल पर वॉच को रख दिया अपनी साइड टेबल पर नहीं आ तो सिर्फ है यहाँ कोई वॉच नहीं है इधर देखता हूँ अरे यहाँ भी नहीं है भाई ना मेरे वॉल ड्रॉप में ना ड्रॉर में और ना ही मेरे साइड टेबल पर गाइस मेरी वॉच गई जिसका इस्तेमाल से मैं किसी भी गॉड का अवेंजर का रूप ले सकता था और आज तो मुझे आप सभी को सरप्राइज भी दिखाना था मुझे मुझे जल्दी एवेंजर्स के पास जाना पड़ेगा अवेंजर्स मेरी वॉच चोरी हो चुकी है अरे पापरे आज मेरे घर की जगह यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है अरे बहुत बढ़िया आइस गॉड जी बट आप ये तो बताइए इन पांच एलिमेंटल एक्ट में होने क्या वाला है और आप बिल्कुल मोजा भी आई जानना अरे कॉइज़ ये आइस यहाँ यहां पर क्या कर रहा है और सारे एवेंजर्स की भीड़ और रेड ब्लैक फ्रेंकलिन की भीड़ यहाँ पर इतनी क्यों लगी पड़ी है ये सब क्या हो रहा है कोई मुझे बताएगा हमें कुछ नहीं पता ये आइस गॉड भी शहर पे हो रहा है 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 इसी ने भीड़ जमा की बिल्कुल सही कहा फ्रेंकलिन लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। मेरे प्यारे मैंने अपने भाई लावा गॉड की वॉच को फ्रेंकलिन से छीन लिया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है आइस गॉड की वॉच में तुम सबको अगर ऑल फादर आइस गॉड बनना है या फिर टाइटन आइस गॉड या फिर ऑल फादर टाइटन आइस गॉड तो तुम्हें इन पांचों एलिमेंट

खतरनाक छुपन छुपाए मुझे नहीं पसंद कौन सा अंडा होगा जिसमें वॉच होगी कौन सा पहले वाला ही फोड़ के देख लेता हूँ क्या पता पहले वाले में ही मेरे हिसाब से वॉच मिल जाए मुझे तो नहीं लगता गाइस जिसमें वॉच मिलेगी मिली क्या अरे नहीं मिले अब नहीं मिले भाई लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिली अरे हाँ गाइज टोनी को आइस गॉड की वॉच तो नहीं मिली बट इसको पनिशमेंट भी नहीं मिली ये तो सही हो गया बट यार कौन से अंडे में वॉच होगी मैंने तो अपना चांस गवा दिया मैं तो जा रहा हूँ भाई साहब यहां से निकल के इससे पहले कि मुझे पनिशमेंट मिल गई पनिशमेंट भाई साहब ये क्या पनिशमेंट मिलना जरूरी है क्या अगर मैंने अंडा फोड़ा और भाई मुझे वॉच नहीं मिली तो पनिशमेंट मिलेगी और अब बाप रे मेरा का मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है पापा अरे क्या बुरी तरह से मार रहा है भाई जल्दी जल्दी नहीं यार बाप रे पानी में भी नहीं छोड़ रहा है यहीं पटक पटक के मार रहा है मेरे को आ, यहीं छुप जाता हूँ अब मेरे को वो देख नहीं पाएगा एक मिनट वो तो मेरी चांद के ऊपर यार अब रे बैंड बजा दी पूरी तरह से मारा मेरे को हाहा हाहा हा अच्छा हुआ टोनी तो पिट गया उसको मिल गई पनिशमेंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आ गया लेकिन हल्क बहुत शातिर है हल्क बहुत ही ज्यादा चलाक है हल्क को पहले से ही पता था एलिमेंटल अंडे में आइस गॉड की वॉच कौन से में है लेकिन हल्क को ये बात बता कैसे मुझे नहीं लगता गाइज मुझे लगता है हल्क फालतू की हवा में छोड़ रहा है बातें बट देखते हैं गाइज हल्क कौन सा अंडा फोड़ेगा हल्क बहुत चलाक है हल्क फोड़ेगा दूसरा वाला अंडा है हल्क ने अंडा फोड़ा लेकिन हल्क को कुछ नहीं मिला है? आ, हल्क तो पूरा यकीन से कह रहा था कि वॉच मिलेगी लेकिन हल्क को वॉच नहीं मिली हल्क को सजा तो नहीं मिलनी चाहिए कम कम। हल्क हल्क हल्का क्या हाल हो गया अरे मेरे पास स्पेशल गन है ये गन बता देगी कौन से अंडे के अंदर स्पेशल वाली है खतरनाक वॉच छुपी पड़ी है जिसके इस्तेमाल से मैं

लास्ट वाले अंडे में वॉच नहीं निकली क्या? मुझे तो लगता है सब कुछ धोखा है ये आइस हम सब को उल्लू बना रहा है भाइयों बहनों कोई अंडा मत पोड़ना मन आप मारे जाओगे मार गए क्या जोर से लगी आ, मेरी बात से कौन कौन सहमत है हो भी सकता है कि भाई किसी भी अंडे में वॉच हो ही ना बट यार, वो लावा गॉड की वॉच मेरे पास थी और अभी आइस आइसकॉर्ड ने उसको अपनी वॉच बना ली है नहीं मैं उस वॉच को अपने पास ही रखूंगा इसलिए भाई साहब चाहे मेरी जान जाए या फिर भाई साहब मेरा कुछ भी जाए मैं वॉच लेके रहूंगा और ना तो मैंने फोड़ दिया वॉच नहीं है क्या अरे देखो देखो फ्रेंकलिंग को वॉच मिल गई क्या ओ भाई साहब गाइस हमें वॉच मिल गई और ये तो सच में आइस आइसकॉट की वॉच है यार आइसकॉट की शक्ल है और इतना ही नहीं गाइज पूरा का पूरा जो वॉच का बैंड है वो भी भाई आइस के टेक्सचर से ही बना है। दैट्स मीन ये सच में आइस कॉट की वॉच ही है वाह भाई, भाई अब फ्रैंकलिन को ये हमेशा वॉच की मिल जाती है सही कहा? वॉच बिल्कुल सही कहा हल्को तो लगता है ये वॉच नकली है इसमें कुछ आइस गॉड के सूट है ही नहीं वैसे बात तो सही कही हल्कों ने मैं भी चेक कर ही लेता हूँ गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो लाइक कर दो गाइस देखिए ये स्मॉल टाइटन आइस गॉड वाला सूट है देखते हैं कि ये असली है या नकली इस पर क्लिक करके देखते हैं तभी पता चलेगा ये कि हमने क्लिक हो जा और हो गया ओ भाई साहब हुआ मैं स्मॉल टाइटन आइस गॉड बन गया भाई अबे यार ये फ्रैंकलिन तो सच में <laughs> स्मॉल टाइटन आइस गॉड बन गया और ये फ्रैंकलिन क्या यही सूट है तेरे पास इस वॉच के अंदर और सूट नहीं है क्या और सूट भी तो पहन के दिखा यार बात तो सही कही गाइज और सूट भी तो पहन के देखें और कौन कौन से सूट अवेलेबल हैं बहुत मजा आएगा पावर्स भी चेक करेंगे ओ भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सूट है दिख भी नहीं रहा है क्लिक करके देखते हैं भाई साहब कुछ ज्यादा ही पावरफुल आई का सूट लग रहा है और मुझे ये ये क्या मैंने इस पे क्लिक अरे ये क्या ये क्या, क्या? भाइयों बहनों बच्चों नहीं मरेगी अला कितना माल दिया हमको ओ भाई ये प्लेन कैसे क्रैश हो गया पूरा पूरा मार <laughs> दिया रे अरे नहीं गाइस ये सब कैसे हो गया भाई इतनी जोर से कितने मारा भाई ये पूरा का पूरा प्लेन कैसे क्रैश हो गया हमारे ऊपर पता नहीं यार किसने किया और मैंने किया <laughs> एक मिनट

अरे और अब तुझे मार नहीं रहा हूँ तुझे अपने साथ लेकर चल रहा हूँ दोनों मिलकर साथ टास्क कंप्लीट करेंगे या तो तू पहन लियो फ्रैंकलिन की वॉच या मैं पहन लूंगा अरे भाई मैं पीछे क्यों रहा अरे मैं भी जा रहा हूँ जल्दी से जावेस मेरा आय का सूट भेजो फ्रैंकलिन चिंता मत कर ये वाली वॉच मैं ले लूंगा तू घबरा मत नहीं ये वॉच मेरी है मेरे पास ही रहनी चाहिए यार नहीं भाई जावेस जल्दी आय का सूट दो नहीं हमार नहीं मानेंगे गाइस हमारे साथ बेशक विश्वासघात हुआ है धोखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर इस वाली वॉच को किसी को भी छीनने नहीं दूँगा इसको ठीक भी मैं करके रहूँगा और आइस गॉड के सारे सूट भी मैं ही अनलॉक करूँगा अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी से यस लिखिए हम लोग जल्दी जाएंगे और लावा गॉड का एलिमेंटल जो भी बॉक्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अरे यहाँ पर तो मुझसे पहले काफी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है यार देखिए यहाँ पर लिटरली में अवेंजर से लेके ब्लैक फ्रेंकलिन रेडल सब आ गए हैं अरे मैं लूंगा उस वॉच को कसम मुझ में क्या बुराई है और सबसे पहला उसका एलिमेंटल बॉक्स तो छीना मेरे एलिमेंटल बॉक्स को हाथ भी मत लगाना मेरी वॉच को तुमने पहले से ही छीन लिया था अब मैं अपना एलिमेंटल बॉक्स नहीं दूंगा समझो तुम अरे एलिमेंटल बॉक्स तो हम लेके रहेंगे और लेना किसको है भाई एलिमेंटल बॉक्स एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए वॉच तो अपने आप मिल ही जाएगी मेरा एलिमेंटल बॉक्स से दूर रहो समझो मनु सबको मैं भस्म कर दूंगा अगर लावा गॉड को किसी तरह से हम उसकी जगह से हटा दें तो लावा गॉड का एलिमेंटल बॉक्स नीचे गिर जाएगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा मैं सामने जो इतनी बड़ी वॉल है अगर मैं इसको ब्रेक करके लावा गॉड के पैर पे, पे गिरा दूं तो लावा गॉड के बहुत जोर से लगेगी चोट फिर तो लावा गॉड साहब पैर बचाने के लिए पीछे हटेगा और भाई उसका एलिमेंटल बॉक्स नीचे गिर जाएगा और हम उसको आरपीजी रॉकेट से किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और भाई हमें लिटरली में आइस आइसकॉट की वॉच को अनलॉक करने का मौका मिलेगा और हम बढ़िया बढ़िया आइस आइसकॉट के सूट पहनेंगे और बड़ी जोर

नहीं यहाँ पर सबके सब अपना भला देखने में लगे पड़े हैं लिटरली में किसी को मेरी तो पड़ी नहीं है जबकि वॉच मेरे पास थी पर साइंस गोड के बच्चे ने मुझसे चुरा ली थी यार उड़ी क्यूसम ये बिजली का झटका दिया मैंने लावा गोड को ना अब मुझे एवेंजर्स सबसे पहले मैं तुम सबको में कैद करूंगा और अपनी लावा की आग से भस्म कर दूंगा अबे रे डल्क, रे डल्क भाई कुछ कर यार ये तो हम पे हमला करने वाला मैं कुछ करूं। मरना है, मर जाओ अच्छी बात है अभी हम सब अवेंजर्स में हमला, हमला कर देगा हम सबको मार के रखेगा भाई अरे रे थोर ये क्या करा दिया तूने हल्क को मत मारना अरे हल्क तो मासूम सा नादान बालक है हल्क को क्यों मारा है

मेंटल बॉक्स फोड़ देंगे गाइस मैं तो यहां पे भाई साहब बहुत बुरी तरह से लेटा पड़ा था और मैंने यहाँ पे देखा देखाज की क्या पिटाई हुई है यार सारे के सारे सॉन्जोस को रेड लावा गॉड ने भाई खतरनाक तरीके से पिंजरे बंद कर दिया मुझे वॉच नहीं चाहिए मुझे जिंदगी चाहिए मैं यहाँ पर तेरी मदद करने के लिए वो एलिमेंटल बॉक्स भी तुझे दे दूंगा लेकिन मेरी जान बचा ले बचा ले फ्रैंकलिन हमें नहीं चाहिए कोई वॉच ना बनना हमें बस बचा लोस इनकी मदद करनी

मैं तो भाई साहब सीधा लावा गॉड का एलिमेंटल बॉक्स फोड़ूंगा जाके और वो बहुत ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी कमोन कमौन वो रहा भाई लावा एलिमेंटल बॉक्स ले बर्बाद कर दूंगा क्या कर रहा कर उस एलिमेंटल लावा बॉक्स से दूर रहा वो तुझसे नहीं फूटागा ऐसा कैसे हो सकता है भाई नहीं अबे लावा गॉड अगर मैं इसे फोड़ नहीं पाऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा इसको कोई ना कोई तो तरीका होगा इसको ब्लास्ट करने का कुछ भी कर लो तुम मेरा एलिमेंटल लावा बॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हैं अगर गाइस हम लावा एलिमेंटल बॉक्स फोड़ ही नहीं सकते तो भाई फायदा क्या भाई उसको चुराने का भी ये तो गड़बड़ हो गई भाई अब टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो यार मुझे तो आइस गॉड की अनलॉक वॉच भी नहीं होगी फोड़ दे दे कसम दे दे तो तो नहीं 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 फोड़ 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 तू सर मुझे दीजिए प्लीज अरे बिजली लगा था और बिजली लगा और खतरनाक झटके लगा उसके बाद फाइनल ब्लो मारूंगा और बर्बाद कर दूंगा मैं इस लावा गॉड के एलिमेंटल बॉक्स को अरे गाइस मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा एलिमेंटल बॉक्स सिर्फ मेरी सुपर स्पेशल गन से ही फट सकता है पर इन बेवकूफों को नहीं पता कि वो स्पेशल गन मेरे पास है अगर किसी को पता चल गया कि मेरी स्पेशल गन मैंने अपने पास छुपा रखा है तो वो मेरे एलिमेंटल बॉक्स को फोड़ देंगे पर तो मैं पता लगने नहीं दूंगा ओके तो ये बात है गाइज बट गाइज लावागढ़ को तो पता ही नहीं है कि मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा हूँ ओके गाइस मुझे एकदम साइलेंट ऑपरेशन करना है मुझे बस वो वाली गन चुरानी है और भाई साहब लावा एलिमेंटल बॉक्स को तो हम ही फोड़ेंगे और वॉच भी अनलॉक करेंगे हम ओके चलो जल्दी चलते हैं नहीं, नहीं, मेरे गन से दूर रहा माफ करना लावा गॉड जी आपका एलिमेंटल बॉक्स तो आज नहीं बचेगा ये गन तो भाई साहब मेरे हाथ में ही आएगी और आज ही मैं उस एलिमेंटल लावा बॉक्स को भी फोड़ूंगा नो प्लीज कर मैं बर्बाद हो जाऊंगा अरे अगर मैंने भाई एलिमेंटल लावा बॉक्स नहीं फोड़ा ना और इन्होंने फोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा इसलिए मुझे खुद से ज़्यादा प्यार है तो कहा चलिए अब जल्दी से फोड़ते हैं अरे फ्रैंकलिन पागल हो गया है क्या छोटी सी गन से फोड़ेगा बॉक्स को हाँ भाई ओब फोड़ दिया इसने फ्रैंकलिन ने हाँ ये कैसे हुआ यही तो क्योंकि मेरे पास ये लावा गोट की स्पेशल गन जो ठहरी और आ नहीं अब यार हम इससे वॉच नहीं छीन पाएंगे कोई नहीं कोई नहीं फ्रैंकलिन देखें तो सी तो ये मिला क्या है ओ बॉइस आईज रिवेंजर हल्का सूट अभी पहनता हूं यार

थ्रो सन गॉड फ्रॉम मेज बैंक वो सन गॉड को मेज बैंक से गिरा देंगे तो यहां पर ये सूट अलॉक हो जाएंगे वॉइस ऑफ फायदा तो आएगा इस हमारा चलो भाई से काम करते हैं जल्दी जाते हैं और सन गॉड के पास पहुंचते हैं सनगॉ को किसी तरह से मैं ले जाऊं फ्रैंकलिन ओए फ्रैंकलिन मैं यहाँ पर तुझसे वो वॉच छीन के आऊँगा वह सनगॉ को मेज बैंक से गिराऊंगा मैं तुझसे वादा करता हूँ तो देख लियो अरे यार ये टोनी पागल हो गया है कि गाई मुझे क्यों मार रहा है मुझे मारने से वॉच तो ये नहीं मिलेगी हाँ वो तो तू तो सही कह रहा है चलो भाइयों चलो जल्दी चलते हैं हमें सनगॉ को मेज बैंक से गिराना है उसके बाद फ्रैंकलिन की जो वॉच है वो सीधा हमारे पास आएगी और इस बार तो दो दो सूट अनलॉक होंगे फ्रैंकलिन के पास तीन चार सूट हो जाएंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा मैं जल्दी जा रहा हूँ और जाकर बर्बाद कर दूंगा ओके okay. अभी गाइस भाग भाग के आ गया मैं सनगोट तो ये रहा सनगोट को मैं ऐसा कौन सा बहाना दूँ जिससे कि मेरे साथ चले आइडिया सनगोट को हम उसके बेटे का बहाना देंगे सनगोट सनगोट भाई मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है क्या बात करनी है क्यों आया है यहाँ पर जल्दी बता मेरे पास टाइम नहीं है मुझे अपने बेटे से मिलना जाना है। अरे सनगोट मैं तेरे बेटे के बारे में बात करने आया हूँ बनाएंगे कि सनगोट के बेटे को असल में रेड हल्क ने और ब्लैक फ्रेंडली ने किडनैप कर लिया है क्या बोल रहा है मन ही मन में बताएगा मैं कह रहा था वो मेज बैंक पर मैंने अभी देखा कि सनगोट तेरे भाई बेटे को ना रेड हल्क और ब्लैक फ्रेंड्ली ने किडनैप कर लिया है तू जल्दी मेरे साथ साथ वरना मेज बैंक से तेरे बेटे को गिराने के मार देंगे वो क्या बकवास करता है मेरा बेटा यहाँ नहीं दूसरी दुनिया में है झूठ बोलना है तो कम से ऐसा तो बोल जो मैं सच समझ सकूँ अरे गाइस ये क्या मैंने सोचा सनगौड़ का बेटा इसी दुनिया में होगा बट सनगौड़ का बेटा तो उसी के अपने सनगौड़ वाले वर्ल्ड में ये प्लान तो खराब हो गया बट गाइस एक नया प्लान भी तो है हम सिक्स आर्म जॉइंट आइस गॉड हल्क बनके सीधा भाई ये सनगॉड की बैंड बजाएंगे और उसका मेज बैंक लेके चलेंगे क्या कर मुझे गुस्सा मत दिला वरना भस्म कर दूंगा तुझे मैं तो उससे डरता नहीं हो समझा सनगॉड अभी तेरे को भस्म तो मैं करके दिखाऊंगा सुपर आइस अटैक करूंगा अरे बाप रे मेरे पे तो यार अभी पावर ही नहीं आई है सुपर आइस अटैक आई थिंक उसके लिए मुझे और नए सूट अनलॉक करने पड़ गए अरे तो गड़बड़ हो गई मैं कौन सी पा क्यों ना गाइस हम सनगॉड को ठंड में पूरी तरह से कैद कर दें हाँ हम ये तो कर सकते हैं हम यहाँ पर गाइज समर सीजन की जगह विंटर सीजन और कर देते हैं फिर पूरी धरती पर भाई बर्फ फैल जाएगी फिर तो गाइज सनगॉड को ठंड लगेगी फिर तो भाई से मेरी बात माननी पड़ेगी ये क्या कर दिया तूने वाह मुझे काफी गर्मी लग रही थी लेकिन तूने इतनी ठंडा कर दी कि मेरा मन ठंडा ठंडा हो गया ए? मैंने तो सोचा सनगौट को इस ठंडक से दिक्कत होगी पर ये तो उल्टे मजे ले रहा है लो फ्रैंकलिन मैं तुझे इस ठंड के बदले कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ लेगा ये कैसा गिफ्ट है तूने मुझे ठंड प्रोवाइड की मैं तुझे गर्मी प्रोवाइड करता हूँ अरे इस गॉड ने तो क्या खतरनाक अटक करे ये मेरी दुनिया के मिट्टी है कैसा लगा बहुत गर्म है भाई मेरे को नहीं चाहिए ये मार दिया रे हालत खराब कर दी गाइस मैं इसको बैंक तक कैसे लेकर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को अरे बाप रे मैं इसको मेज बैंक तक लेकर जाऊंगा क्या कुछ भी हो जाए फ्रैंकलिन अच्छी बात है तू हमसे पहले आया और पिट भी गया भाई लेकिन सनगॉट को तो मेज बैंक तक मैं लेकर जाऊंगा ऐसा क्या ही कर लेंगे जिससे सनगॉड मेज बैंक चला जाए अरे हल्क 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 आया है सनगॉड तेरे पास हल्क के पास बहुत सारे बर्गर है खाएगा और बिल्कुल खाऊंगा मुझे भूख लग गया अपने बेटे के लिए भी मैं बर्गर लेके जाऊंगा अरे यहाँ पर अवेंजर्स भी हल्क के पीछे लगे हैं बर्गर खाने के लिए चल साथ में चलते हैं और और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मेज बैंक के पास चलते हैं उससे उस बैठ के आराम से बर्गर खाएंगे प्लान तो बढ़ गया दोनों चलते हैं को बर्गर खाने पसंद है भाई ओ माई गॉड वैसे गायस सनगोर्ड को अगर आ, मतलब हल्क ले भी गया बैंक पर

अभी Avengers तो यहीं पर खड़े हैं सबके सब और देखिए सनगॉड तो ऑलरेडी पर पहुंच गया भाई अब मेरे को जल्दी से यहां पर सनगॉड को गिराने के लिए सीधा पर पहुंचना पड़ेगा अरे यार पूरा प्लान खराब हो गया अब तो हल्के पास वॉच पहुंच जाएगी वॉच किसी के पास नहीं पहुंचेगी वॉच तो मेरे पास रहेगी कहा जा रहा है मैं चाला यहां पर सीधा सनगॉड को मेज बैंक से गिराने के लिए भाई ओके अभी गाइस हम आ चुके हैं सीधा मेज बैंक के पास बट गाइज मैं अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में गॉड को वहां से नहीं गिरा पाऊंगा मजा आ गए जल्दी से एक काम करते हैं अपनी वॉच को खोलते हैं वॉच में भाई अपना सिक्स आर्म जायंट आइज गॉड हल्का सूट पहनते हैं और इससे मारेंगे खतरनाक किंक या फिर पंच क्या पंच में काम हो जाना चाहिए और हम गॉड को ऐसी दूर फेंक के मारे

सनगोट को कुछ ज़्यादा ही जोर से पंच नहीं मार दिया ये तो अभी तक हवा में उड़ रहा है जैसे ये ज़मीन पे गिरेगा गाइज मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा गिर गया क्या वो जमीन पे तो नहीं गिरा बट समुद्र पे गिर गया बट गिराया तो मैंने उसको भाई साहब अवेंज मतलब मेज़ बैंक से ही है चलो गाइज जल्दी से अपनी वॉच में चेक करते हैं सूट कौन कौन से एक थ्री जायंट डेविल का सूट है बड़ा वाला, वाला, तो को को वाला पहन के देखते हैं मजा आएगा लेट्स खतरनाक लग रहा हूं मैं यार गाइस अभी ना मेरे को अपनी पावर भी चेक करनी है अभी तक मैं हवा में नहीं उड़ सकता था क्या पता इस डेविल आइसकोड के सूट में सुपर बूस्टर लगे हूँ ट्राई करके देखते हैं जाके मेरे पैरों में और पीछे भाई कमर पे पीछे मतलब पीठ पे लाइक बैक पे ना मेरे बहुत ही खतरनाक वाले बूस्टर लग रहे हैं जिसकी मदद मतलब से मैं उड़ सकता हूं और मैं यहाँ पर सुपर लेजर अटैक भी कर सकता हूँ पिछले वाले सूट में जो कि सिक्स आम वाला था मैं कर नहीं पा रहा था बट अभी मेरे पास सुपर आइस एटोमिक एक्सप्लोजन भी है और एटोमिक ब्रेथ वाले मिजाइल अटैक भी है वाह मजा आ गया आइज अभी ना हम फाइनली देखने वाले हैं कि इस वॉच के पास लास्ट सूट कौन सा है ऑफर करने के लिए जिसको देखते ही हम शौक हो जाए तो दुनिया सबसे बड़े टाइटन आइस गॉड ही बन जाए भाई मजा ही आ जाएगा चलो गाइस जल्दी से भाई अपनी वॉच को खोलते हैं और देखते हैं अरे कंप्लीट टास्क अनलॉक दिस सूट सेव अवेंजर्स व्हाट इस वाले सूट को अनलॉक करने के लिए जो कि बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे उसके लिए हमें अवेंजर्स को बचाना पड़ेगा बट एक मिनट अवेंजर्स तो अभी ठीक ठाक वहां थे पहाड़ पर लिटरली में भाई उनको क्या हो गया अरे कहीं ऐसा तो नहीं है गाइज लास्ट टाइम जैसे लावा गॉड ने वॉच छीनने के लिए मुझ पर हमला कर दिया था ऐसे ही आइस गॉड ने अवेंजर लेकिन एक मिनट वो हमला क्यों करेगा आइस गॉड अगर उसको वॉच चाहिए थी आइस गॉड की आइस गॉड को तो वो तो मुझसे जाके लेता ना कि अवेंजर से कुछ और बात है गाइज अब तो हमें अवेंजर्स के पास जाके पता ही करना पड़ेगा एक मिनट ये आइस गॉड नहीं है मेरा शक गलत निकला ये तो यूनिवर्स गॉड है और आ मजा गया यूनिवर्स गॉड तूने हमारे साथ हाथ मिला लिया बहुत बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया एक मिनट रेड होगा ब्लैक फ्रेंकलिन ने हाथ मिला रखा है यूनिवर्स गॉट से लेकिन क्यों अरे को बचाओ हमें अब बेचारा की जान खतरे में बचाएगा तो उसको वॉच हमें देनी होगी बिल्कुल और अगर उसने वॉच हमें नहीं दी तो अवेंस को यूनिवर्स गॉड तू मार देना नहीं फ्रेंकलिन इनको वॉच दे दे हमें बचा ले लेन बचा ले हमें बचा ले लेन हमें क्यों बचाएगा हमने फ्रेंकलिन कुछ अच्छा थोड़ी किया है अगर फ्रेंकलिन तुम्हें नहीं बचाएगा तो फ्रैंकलिन के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे लेकिन सबसे पहले मरने वाले तुम हो गए फिर फ्रैंकलिन की वॉच को हम छीन लेंगे गाइस, वॉच तो मैं किसी को नहीं देने वाला बट but...

करूंगा और साथ साथ में यूनिवर्स गॉड की भी बैंड बजाऊंगा और पापा क्या बुरी तरह से मारा है और यूनिवर्स गॉड कहीं देख कर हमें मरते हुए देखता रहेगा कुछ करेगा अभी या तो हमको मारने के लिए आया है फाइनली गाइस हमने यूनिवर्स गॉड के सामने उसी की टीम ब्लैक फ्रैंकल रेडल की तो बैंड बजा दी अब यूनिवर्स गॉड की बैंड बजाने का समय आ गया बहुत हो गया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मैं यूनिवर्स गॉड और तू छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा मेरा अरे गाइस ये यूनिवर्स गॉड को तो मेरा अटैक से कुछ भी नहीं हुआ भाई एक मिनट ये मेरी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहा है अभी पता चलेगा सुपर मिट्योर टैग मुझे ये मिट्टी और अटैक बहुत बुरा लगता है यार क्या हालत कर दी मेरी एक ही अटैक में नहीं मुझे जल्दी से यहाँ पर अपने सूट से बाहर निकलना होगा मेरा सूट डिस्ट्रॉय कर दिया यार मेरा आइसकॉट का सूट गाइस हेल्प मी वरना मैं मर जाऊंगा प्लीज़ ये ट्री वाला इमोजी कमेंट में स्पैम कीजिए ज्यादा ज्यादा मैं तो गया मेरी कमर टूट गई रहे मेरा सूट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेरी वॉच भी प्लीज़ गाइस जल्दी से ये ट्री वाला इमोजी स्पैम कीजिए कमेंट में शुक्र है थोड़ी सी मेरे में जान आई बट गाइज़ मैं यूनिवर्स गॉड को ऐसे ही नहीं हरा सकता इवन अब तो मेरा बड़ा वाला सूट भी डिस्ट्रॉय हो गया है वैसे गाइज अगर मैं वेंजर्स को बचा लूँ तो मेरा आइज़ गॉड का टाइटन वाला सूट अनलॉक हो सकता है जो कि अभी तक दिखता भी नहीं है पता नहीं कैसा दिखता होगा ये काम करते हैं हम ना थोड़ी सी एनर्जी के लिए ये जो लास्ट सूट हमारे पास बचा है ना छोटा वाला आइस गॉड का इसी को पहन लेते हैं भाई साहब बेशक ये छोटा सूट है पर है तो आइस गोड का ही सूट तो भाई इसी को पहन लेते हैं ओके मैंने इस पर क्लिक किया फाइन रेगा इस अभी मैं अच्छे से चुस्त दुरुस्त होकर चल पा रहा हूँ सबसे पहले मैं जाल तोड़ के अवेंजेस को बचाऊंगा अगर मैंने अवेंजेस को बचा लिया तो मेरा टास्क पूरा हो जाएगा अरे वाह हल्क हल्क को बचाने आया उनका दोस्त अरे फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच तुम्हें बचाने आया वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बचाता बेटा पर मेरे टास्क में लिखा था कि मैं तुम्हें बचाऊ तो इसलिए बचाया बचाऊ वरना तुम लोग बचाने लायक हो नहीं माफ कर करते हैं फ्रैंकलिन हमको ऑल गाइस, अवेंजर्स को तो बचा लिया अब देखते हैं ये वॉच ने हमारे लिए सूट अनलॉक किया या नहीं वॉक कर दिया भाई कर दिया ये तो सच में थ्री हेडेड